आज पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हेल्दी लिविंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को न्यूट्रिशन की थोड़ी सी बेसिक्स का तो पता होगा। सेकंड, कॉमन डिजीजेस एंड ट्रेंडिंग डाइट्स, कि आजकल डाइट्स क्या चल रही हैं और कॉमन डिजीजेस क्या हैं जो कि फूड की वजह से हैं, जो हमारी खराब खुराक की वजह से, और फिर हमारी सक्सेसफुल डाइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, और कुछ मिथ्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज लाइफ आजकल चल रही है वो 65 ईयर्स है। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोग फील्ड में आएंगे आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि अपनी खुराक बेहतर करें, अपनी सेहत बेहतर करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे कि अगर हम खुराक ठीक करेंगे तो क्या हम जल्दी नहीं मरेंगे, ये लोग कहते हैं। और जिन लोगों ने नहीं करनी होती डाइट ट्रैवल, वो ये कहते हैं इससे कौन सा ज्यादा लेंगे या पढ़ लेंगे। जो हकीकत है कि ये एक चीज ये मैंने ऐड इसलिए की थी तक मैं आपको बता सकूं, कल को आप लोग भी आगे गाइड कर सकें कि जिसे हम अपनी डाइट को ठीक करते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, तो उससे हमारी उम्र बढ़ती नहीं है, हमारी उम्र वही रहती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखी है, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। लेट्स से 60 या 65 साल की उम्र एक एवरेज चल रही है, तो 40 साल तक हम बिल्कुल फिट रहे, और उसके बाद के जो 20-25 साल है वो हम बेड पे गुजारे या बीमारियों से गुजारे, बीमारियों के साथ, उससे बेहतर है कि हम अपनी डाइट को ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, और जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है उस वक्त तक हम हेल्दी वे से उसको गुजार सकते हैं। की टू हेल्दी लिविंग, कुछ कीज होंगी हेल्दी लिविंग्स के लिए, क्या है उनको आपने ज़हन में रखना है। क्या है सबसे पहले? हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन सबसे जरूरी क्यों है डाइट? क्योंकि जो चीज आप अपनी बॉडी को देंगे बॉडी उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड कर देगी, वही चीज बाहर आएगी। फिजिकल एक्टिविटी, डिजीज फ्री होना, गुड हाइजीन, वर्क रिलेशन, सोशल और क्वालिटी, बट डाइट कैसा हम फूड के लिए बाहर पसंद। जी आगे चले, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताया आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कम शुगर ग्लूकोज को देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, अब ये साथ आ गया मसल बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े आप जी, वो भी चाहिए, ये वही बताया गया। आगे चलिए, अच्छा जी, इसमें हाइड्रेशन, पानी कितना जरूरी है? इस बात को ध्यान में रखना है। अब रिक्वायरमेंट हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है कि 8 ग्लासेस होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 16 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी जो बॉडी का BMI क्या है, BMR क्या है, उस हिसाब से। और प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज, इसको भी हमने बचाने की कोशिश करनी है कि क्रॉनिक डिजीज से हम बचें जो कि पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, मैं स्टेज पर क्यों खड़े कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इससे निकला हूँ। जबकि बहुत से लोग हैं जो कि आर्थराइटिस से शिकार हो जाए तो वो भी छेड़ते होते हैं। जी अब कुछ हम कॉमन डाइट्स की बात करेंगे, वो आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ है अब तक डाइट्स कौन सी चल रही हैं और डिजीजेस क्या हैं? ठीक, ट्रेंडिंग डाइट्स, प्लांट बेस्ड, इसमें वेजन है, लैक्टो है, लैक्टो कोको है, इनके बारे में आपको आइडिया है? ठीक है, पेस्किटेरियन के बारे में आइडिया है? ये जो डाइट है आजकल ट्रेंडिंग डाइट है, इसमें भी बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वही हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स भी लिया गया है, लेकिन इसमें जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो सी फूड से लिया गया है। इसमें आपका पोल्ट्री भी यूज होता है, मीट भी यूज होता है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो आपका सी फूड। ऑलोटेरियन जो है, इसमें आपका जो मेन सोर्स है वो आपका पोल्ट्री से है, चिकन से है। इसके अलावा इसमें आपका फिश और ये बाकी चीजें भी यूज होती हैं। आपकी इन सारी चीजों के बारे में कुछ आपके क्वेश्चन होंगे, आप नोट कर लेने, तो बाद में हम आंसर करेंगे। कीटो डाइट बहुत कॉमन है, आइडिया है, हाई फैट या हाई प्रोटीन, कौन सी डाइट होती है? हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें हम प्रोटीन के पोर्शन को ज्यादा देखते हैं। पलियो डाइट का भी आइडिया है, इसमें बेसिकली जिस पर आप लोगों ने अभी तक कोई डाइट प्लान वगैरह बनाए,
ये जो डाइट होती है इसमें प्रोटीन और फैट्स होते हैं, मेजर पोर्शन इसमें भी प्रोटीन का ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बेरीज, फ्रूट्स और नट्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं। ये वाली जो डाइट है ये आजकल एथलीट्स को दी जाती है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम अक्सर डिस्कस कर चुके हैं कि मैं अपनी डाइट में फ्रूट्स को नहीं ऐड करता, ठीक है, ब्लेंडर्स वगैरह को नहीं ऐड करता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो लेकिन ये जो डाइट है हमें एथलीट्स को कुछ ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है, कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए फिर इसमें बैरीज और इस तरह की चीजें नट्स ऐड की जाती हैं। ये आजकल जो डाइट है ये एथलीट्स को ज्यादा दी जाती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का आइडिया है नहीं है? इंटरमीडिएट फास्टिंग एक तरीका है डाइट करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे और अपने मैक्रोस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग में 16:8, 18:6, 20:4 ऐसा मतलब ये होता है कि ये ईटिंग विंडो है और फास्टिंग विंडो है। तो 16 आवर्स की ईटिंग विंडो है, 8 आवर्स की फास्टिंग विंडो है। ये लोगों ने इतना सेटिंग अपनी मर्जी से की होगी कि हमने 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे खाना है, या 18 घंटे कुछ नहीं खाना और 6 घंटे खाना है, या 20 घंटे कुछ नहीं खाना और 4 घंटे खाना है। इसमें आजकल जो चल रही है बाहर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए 24 आवर्स की भी फास्टिंग चल रही है, 2 डेज की भी फास्टिंग चल रही है, क्योंकि इस तरह की जो फास्टिंग होती है हमारी जो नॉर्मल इस्लामिक वे ऑफ फास्टिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी इसमें आप लोग लिक्विड ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, दूध वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन बाकी चीज़ें पानी वगैरह और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स भी अभी एक नई जो रिसर्च आई है उसमें अगर आप फास्टिंग की विंडो में हैं तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, उससे फास्टिंग आपका कुछ ही नहीं। वो बेसिकली ये होता है कि आपको टाइम थोड़ा सा बढ़ाना होता है अपना, ताकि जो बॉडी है वो केटोसिस में जाके आपके फैट को बर्न करे, उसको एनर्जी करेगी फास्टिंग के साथ। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों की अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें वजन कम नहीं करना। कॉमनली बोला यही जाता है कि वजन कम करना है, लेकिन आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि हमने चर्बी कम करनी है। जिस चीज का वजन बड़ा है बॉडी में उसी को कम करना है, क्योंकि अगर आप वेट की बात करते हैं तो हमारे मसल्स का वेट है, बोन्स का वेट है, जिसमें ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, वाटर है, सबका वेट है। हमने ओवरऑल वेट को फोकस ही करता, बहुत ही खातन मान लीजिए फीमेल क्लाइंट हैं हमारे घरों में एग्जाम्पल्स है, वो लोग वो उठती हैं वो तो सबसे पहले स्केल पे खड़ी होगी और फिर देखते हैं कि वजन कम हुआ या नहीं। वजन कम हो गया, वेरी गुड, अगर नहीं कम हुआ तो सारा दिन डिप्रेशन में और उसके बाद फिर शाम को कुछ ना कुछ डाइट से हट जाना है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला। ये अप्रोच जो है ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करेगी। आप क्लाइंट्स को भी ये बताना है, खुद भी यही चीज इंप्लीमेंट करनी है कि मुझे वजन कम नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ फैट कम करना है, चर्बी कम करनी है। तो उससे आप हेल्थी भी रहेंगे, क्योंकि जब वो आपकी अप्रोच होगी तो आप अपने मैक्रोस का ध्यान रखेंगे, आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, मुझे वीक नहीं होना, मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होने चाहिए, मेरे अंदर विटामिंस की कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे प्रोटीन मिलनी चाहिए ताकि मेरी मसल ग्रो करे और मसल सस्टेन रहे। अब इसमें फीमेल्स अगर ये कहें कि हमें मसल्स नहीं बनाने, तो आपके नहीं बनेंगे मसल्स, जैसा मर्दों के बनते हैं वो आपको पता है, हॉर्मोन्स का थोड़ा इशू होता है। इसलिए डाइट को भी ठीक रखना है और फैट लॉस की तरफ जाना है, और कल को क्लाइंट्स को भी ये बताना है कि वजन कम नहीं करना, चर्बी कम करना। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ये भी एक एडवांटेज है, आप अपनी डाइट को ठीक करते हैं। आज तक किसी ने सुना डायबिटीज रिवर्स हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स भी है, हम लोग रिजल्ट्स भी लगाते हैं। एक होता है कि आपको डायबिटीज हुई है और उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देते हैं या इंसुलिन दे देते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि आपका चलते रहना है, डाइट में थोड़ी बहुत वो परहेज बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारी ठीक नहीं होती। सवाल ये है कि दवाई दे दी है, मैं परहेज भी कर रहा हूँ तो बीमारी ठीक क्यों नहीं? क्योंकि लेट्स से आज मुझे डायबिटीज है तो महीना पहले तो नहीं थी, डायग्नोज नहीं हुई थी, 2 महीने पहले नहीं थी, साल पहले नहीं थी, उस कंडीशन में अभी जो मेरी डायबिटिक हूँ इस कंडीशन में फर्क है, तो ये क्या वजह है इसको सोचना है। क्लाइंट्स के लिए भी जब आपने कल क्लाइंट्स को ट्रीट करना है तो आपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना। हमें भी लोग कहते थे, अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट लगाई थी, 72 years old मेरे एक क्लाइंट है और 16 साल से वो डायबिटिक, इंसुलिन लगाने थे, गोली दे रहे हैं, हाँ इंसुलिन लगा रहे हैं, माशाल्लाह फिट है, ठीक है। तो डायबिटीज का, क्योंकि वही बात है, जब अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा डायबिटीज क्यों हो रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े, ठीक है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ी है, उसकी वजह से डायबिटिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब गोली खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं तो क्या करती है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ है और आपका जो इंसुलिन लेवल है वो यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा, तो आपने इस लेवल को मैच करना है, आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं और लेवल को मैच करते हैं या गोली देते हैं, तो वो जो लेवल्स आपके ग्लूकोज के बढ़े हुए हैं
वो उसको कम करती है और इंसुलिन के लेवल पे लेके आती है। जिस वक्त आप अगले मील पे जाते हैं फिर ग्लूकोज लेवल उधर चले जाते हैं, फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो बजाय इसके कि आप इंसुलिन और मेडिसिन लें, अब आपकी डाइटी चेंजेस क्यों नहीं करते कि आप उन खानों से पक्की तौर पे परहेज करें जो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करें, ताकि ना ही उसके लेवल्स बढ़े, ना ही पैनक्रियास पर लोड पड़े, ना ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस। और इसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम करते हैं, जिसका कीटो डाइट मिली उस तरह हाई प्रोटीन डाइट है उसमें, और उसके साथ हम उन खानों को जो ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देते हैं उनको हम कम करते हैं, जिस वजह से हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। 2 से 3 माह 4 माह रहना पड़ता है क्लाइंट को, उसके बाद एक एक साल का एक्सपीरियंस है जो हमें क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया हुआ है कि साल हो गया मिठाई भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़े, HbA1c भी ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कोई लाइफ स्टाइल चेंजेस की जो हम बात करते हैं कि हमें अपने खाने को चेंज करना है। एक हद तक बॉडी बर्दाश्त कर लिया, उसने आपकी हाई कार्ब डाइट को बर्दाश्त कर लिया, उसने हर तरह की फजूल खाने को बर्दाश्त कर लिया, अब वो सिग्नल दे रही है कि मेरे से वजीर बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिग्नल क्या है? ये डिजीजेस। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमने अपनी डाइट को थोड़ा सा ठीक करना है, इनसे बच जाएंगे। फैटी लिवर बहुत कॉमन है आजकल, PCOS फीमेल्स में बहुत कॉमन है, डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं, डॉक्टर्स चिकन छुड़वा देते हैं, हम लोग चिकन देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फीमेल क्लाइंट की ये बात होती है कि आपने चिकन लिख दिया, डॉक्टर ने हमें चिकन से मना किया, ठीक है, हम चिकन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन सीड साइकिलिंग थोड़ी सी होती है, वो करना होता है, हार्मोनल इशू है, तो आपने उसको डाइट से ही एड्रेस कर, उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको IBS वगैरह ये सुना हुआ है, आर्थराइटिस, कैंसर। अब जो जदीद एक रिसर्च है उसके मुताबिक कैंसर सेल्स के फैलने की वजह ग्लूकोज का होना है, आपकी बॉडी शुगर्स का होना है, यानी आपको बेसिकली अपनी कार्बोहाइड्रेट की जो इनटेक है उसको लिमिटेड करना है। हमारे एक पेशेंट थी लाहौर से, कैंसर की पेशेंट थी, और उनकी तबीयत संभल नहीं रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको जब डाइट पे डाला तो उनकी काफ़ी स्टेबल हो गया, लेकिन खैर वो स्टेज ऐसी थी जो स्टेज पे वो सर्वाइव नहीं कर सकती। जी आगे चलें, इम्प्रूव सिम्टम्स, हेडेक्स, बहुत से लोग कहते हैं सर में दर्द रहता है, आधे सर का दर्द है, आपके लिथार्जिक कहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, मूड्स, आपकी बॉडी को जब उसकी पूरी चीजें सही मिलेंगी नहीं जिस चीज की उसको जरूरत है, अगर एक गाड़ी है एक, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें ब्रेक ऑयल भी है, उसमें इंजन ऑयल भी है, उसमें पेट्रोल भी है, उसकी सर्विसेज हैं, उसका एयर फिल्टर चेंज करना है, ये उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि वो बेहतर तरीके से चले, एफिशिएंसी बेहतर हो, उस हमारी बॉडी से भी कुछ रिक्वायरमेंट है। जब तक हम वो चीजों को देंगे नहीं, बॉडी को देंगे नहीं, उस वक्त तक रिजल्ट ही मिलेंगे। हम लोग इसको ले चलते हैं दूसरी साइड पे, हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मध्य काल है, आप लोगों के ख्याल में मेरी एज क्या होगी? आइडिया 42। ठीक है, और जो मेरे साथ के हैं 42, वो ऐसा लगता है जैसे 50 थी। ठीक है, तो हम लोग क्या ले चलते हैं अपनी एज पे। इस एज में मैं भी एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक अभी तक कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। क्यों? लाइफस्टाइल को चेंज किया है, डाइट को ठीक किया, बॉडी को वो खुराक दी है जिसकी उसको जरूरत थी, एक्सरसाइज की है क्योंकि हमारे मसल्स को जरूरत है कि मसल फाइबर से टूटना है और बनना है, ये अल्लाह सुब्हान तआला ने एक निज़ाम बनाया है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, लोग कहते हैं हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें डाइट दे जिससे हमारा वजन कम हो जाए। मैं कहता हूँ 80% काम तो डाइट का है, उससे आपको रिजल्ट तो मिल जाएंगे, स्लो मिलेंगे, लेकिन एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी? टाइम नहीं है, बहुत से बहाने होते हैं, वो सिर्फ बहाने होते हैं। हम लोगों ने कुछ किसी चीज़ को मैनेज करना हो अपनी लाइफ में, हम इजीली कर सकते हैं, तो हम आधा घंटा 40 मिनट एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। अगर मुशक्कत अल्लाह सुब्हान तआला ने ना दिखी होती तो मसल्स का ये काम ना हो, मसल्स के एनाटॉमी में ये चीज़ ना होती कि उनके फाइबर से टूटना और बढ़ना, उसे मनी स्पैन और स्टैमिना बढ़ेगा। नंबर टू, जो वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हिरा भी उतरती थी, वो कहीं जमीन में भी उतर सकती थी, किसी जंगल में उतर सकती थी, वीराने में उतर सकती थी, वो जो मुशक्कत है डेली बेसिस की, वो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि बॉडी को चलाए रखना है। तो एक्सरसाइज से बगैर नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है कि कुछ फैशन है, ये ऐसा नहीं है कि गोरे करते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी है, चाहे वो कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे किसी भी आप जो नेशन से ताल्लुक रखते हैं। जी, और गेट रेड ऑफ मेडिसिन, अच्छी डाइट करने से बीमारियों से जान छुटती है, तो गोलियों से भी जान छुटेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपको किसी भी किस्म का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपको कोलेस्ट्रॉल का है, यूरिक एसिड का इशू है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, दवाइयों से जान छुट जाएगी अगर डाइट ठीक रखती है। अब मसला ये होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं डाइट का जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो ये है कि खाना पीना छोड़ दें। आपसे जब ये डिस्कशन हुई थी, आप उससे पहले एक दो जगह पे ट्राई भी कर चुके थे आप, तो डाइट का कॉन्सेप्ट जो उस्मानी भाई उनके नजदीक भी ये था कि
फीका खाना है, उबला हुआ खाना है और कम खाना है, कम नहीं खाना, जितनी बॉडी को जरूरत है देना उतना ही है, हाँ थोड़ा सा डेफिसिट रखना है, लेकिन फीका हुआ भी नहीं खाना। आप मसाले अपनी मर्जी के लगाए, डिशेज अपनी मर्जी से बनाए, हमारी तो मटन शिनवारी की भी एक रेसिपी है, ठीक है, तो हम लोग तो इस तरह की रेसिपीज बनाते हैं क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी को देना है, हमारी बॉडी को मटन शिनवारी की या चपली कबाब की, वो भी एक रेसिपी है हमारी, ठीक है, या कढ़ाई की, इसकी पहचान नहीं, किसकी पहचान है बॉडी, और मेटाबॉलिज्म को किस चीज की पहचान है, मैक्रोस, ठीक है, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन क्या है कि हमारी बॉडी को दिया क्या जा रहा है, चाहे वो कढ़ाई की फॉर्म में दिया जा रहा है, चाहे वो एग्स की फॉर्म में दिया जा रहा है, बॉडी को तो ये देखना है कि उसके अंदर आया क्या, ठीक है, तो फिर इसलिए जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं ये चावल नहीं खाने, रोटी में खा रहा हूं, चावल क्यों नहीं खाने, चावल मोटा करते हैं, कैसे मोटा करते हैं, मसूर दाल की सुनी सुनाई बात है, दालें हम अपने क्लाइंट्स को दालें नहीं देते, बीन्स नहीं देते, क्लाइंट्स कहते हैं नहीं हमें प्रोटीन सोर्स दें, मैंने कहा जी प्रोटीन सोर्स होती है लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन को पड़े अमीनो एसिड सारे पूरे मुकम्मल नहीं होते पाए जिसके अंदर, इसका मतलब है कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जिस वक्त भी आप किसी फूड को देखते हैं तो आप उसको मैक्रोवाइज देखते हैं कि इसके अंदर कौन से मैक्रो की रेशियो ज्यादा है, उसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो जब दालें और लेंटिल्स और ये बीन्स और इस तरह की चीजें फ्रूट्स को आप देखते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन कम है, दहाई जो ज्यादा रेशियो है वो कार्बोहाइड्रेट के, तो हम नहीं देते, ठीक है, तो आप क्योंकि बॉडी को जिस तरह आप दाल खानी है तो बॉडी ने देखा जैसे अंदर प्रोटीन है उसको प्रोसेस किया साइड पे किया, कार्ब्स कितने हैं उनको भी प्रोसेस करके साइड पे करना है, तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं, बॉडी को खानों की पहचान नहीं है, मैक्रोस की पहचान। मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, बंदा एक्टिव रहता है, ये बात के लिए आपसे डिस्कस हो चुकी है, ये बंदा ज्यादा एक्टिव, ये आप जब उस्मान भी थे ये कह रहे थे कि फोकस नहीं कर पा रहे थे आप उन दिनों में काम के ऊपर, बिल्कुल मैंने कहा था अपनी डाइट को ठीक करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, बॉडी में जब उसकी चीजें मिलेंगी तो उसके जवाब में वो काम सही तरीके से करेगी। जी ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिस वक्त आप लोगों ने इंशाल्लाह अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, अप्रोच सक्सेसफुल कोच होने के लिए क्या होनी चाहिए, जैसे आप लोगों को पहले कहा पैसा कमाना नहीं होनी चाहिए, पैसा आ जाएगा, पैसा कैसे आएगा, जिसमें आप लोगों की नीयत ठीक होगी, नीयत ठीक होगी तो अल्लाह सुब्हान तआला काम में बरकत डालेंगे, काम में बरकत डालेंगे तो पैसा आएगा, बरकत रिस्क आएगा, रिस्क बहुत से तरीके हैं, रिस्क के और भी आपसे हम बहुत सी बातों में इस्लामिक व्यू से भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छा नेकनामी होना, अच्छी औलाद, अच्छा फ्यूचर, माँ बाप के सर पे रहना, ये सब कुछ रिस्क में आता है, तो अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कि मैंने खिदमत करनी है, मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने अगर मसीहा बनाया है तो मैंने मसीहा बनना है, जैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे नाम नहीं मालूम होगा, डाइटिशियंस हैं बड़े, कुछ उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप चैनल पे सब कुछ बता रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो आप सारी दे रहे हैं तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ से, मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है, रिस्क मुझे अल्लाह सुब्हान तआला दे देगा, मेरी पूरी पूरी वीडियोज टाइप टाइम के ऊपर भी हैं, सब कुछ देखने के बाद भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे पे करते हैं और क्लाइंट बनते हैं, इसका मतलब है रिस्क आ जाता है अगर आपकी नीयत ठीक हो, पर इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आएगा सिर्फ नीयत ठीक होनी चाहिए। अब आप लोग देखिए ध्यान रखना जिस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे कि सबसे पहले नीयत ठीक होने का मतलब है कि यार ये बंदा मेरे पास आया है ये सेहत से परेशान है तो रिजल्ट्स मिलने चाहिए, इसकी सेहत ठीक होनी चाहिए। हम जिस वक्त आपकी ट्रेनिंग देते हैं तो मुख्तलिफ पैकेजेस हैं हमारे, 1 month, 2 month, 3 months के पैकेजेस भी हैं, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि यूके बेस्ड हैं मिस्र से और एक साल से ज्यादा हो गया, वो एक दफा मैंने उनसे पेमेंट ली है, मैं तो आज तक गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरी है रिजल्ट्स। हम क्लाइंट्स ये कहते हैं कि आप किसी भी वजह से एक्सरसाइज पे, वर्कआउट प्लान पे, डाइट प्लान पे अमल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम आपको जितना लंबा आप चलना चाहते हैं लेके चलेंगे, आप रिजल्ट्स दें। अप्रोच क्यों है कि वही बात है कि मैं 3 महीने बाद किसी को ये कहूंगा कि मुझे और पैसे दो, आपका तो 3 महीने का टाइम पूरा हो गया, रिजल्ट्स मिल रहे या नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी मेरा पैसा है, रिजल्ट्स नहीं, तो रिजल्ट्स को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अच्छी अप्रोच किया कि सबसे पहले जो बंदा आपके पास आया है आपने ये देखना है कि मैंने इसकी सेहत को ठीक करना है, पैसे बाद में आते जाएंगे। सेहत ठीक करने से क्या होगा, एक फीमेल है बेल्जियम में, उन्होंने मुझे कॉल की और वो लिटरली रो रही थी,
और रोते हुए बात करी तो इनका, मैं 5 साल बाद आज आपकी वजह से सजदा कर सकें, मतलब उनके जॉइंट्स का ये प्रॉब्लम था या बेन का प्रॉब्लम था कि वो 5 साल हो गए थे सजदा नहीं प्रॉपर कर पाए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ने करम किया। मैंने कहा कि मेरी वजह से नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला की वजह से किया। अल्लाह सुब्हान तआला के जो वादे होते हैं वो एमाल के साथ होते हैं, आप अमल पूरा करते हैं वादा पूरा हो जाता है, आप मेहनत करते हैं फल मिल जाता है। ठीक है, तो वो उन्होंने भी मेहनत की, थोड़ा सा डाइट पे अमल किया, एक्सरसाइजेस बताई थी वो की, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने करम किया। तो हमेशा फोकस रखना है रिजल्ट्स के ऊपर, डेली एक्टिविटी चेक रखनी है। हम लोग अपने एक एक लाइन में हम 4-4 बंदे होते हैं जो डील अप कर रहे हो, पहले तो मैं अकेला था, प्रॉपर एक टीम है उसमें हम 4 बंदे होते हैं जो एक क्लाइंट को डील कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बिजी हूँ तो मेरी टीम पीछे रिप्लाई कर रही है क्लाइंट्स को, ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी अपने क्लाइंट को देनी है, उसके रिजल्ट्स को देनी है, उसकी बीमारी को ठीक करने को देनी है। अब उसके लिए क्या होगा, जब आप ये 2 चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आपने उसको बैलेंस डाइट देनी है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो एथलीट है तो उसको एथलीट वाली डाइट देनी है, अगर वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में से किसी चीज की वजह से परेशान है उसको वैसी डाइट देनी है, अगर वो जनरली वजन कम करना चाह रहा है तो उसको उस हिसाब से देनी है, और रियलिस्टिक सस्टेनेबल डाइट होनी चाहिए। आप देखें, अच्छा बात होती थी मेरी उस बात किसी को, कहते थे कि आपने रोटी चावल छुड़वा दी है, मैंने जी छुड़वा दी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुड़वा, वक्ती तौर पर छुड़वाएं ताकि रिजल्ट मिले। कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं, खासतौर पर फीमेल्स कहती हैं शादी पे जा रहे हैं 2 महीने बाद इतना वजन कम करना है, वो फ्लाइंग सूट मेरे जहन में है और मैंने उसमें फिट आना है। तो मैं ऐसी क्लाइंट्स को प्लीज मैं ये कहता हूँ, मत जुल्म करें अपने साथ। मैं आपको एक डेफिसिट बना के दे दूंगा, जब आप लोग अभी खैर आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा डाइट प्लान कैसे बनाना है, कैलोरीज कैसे सेट करना है। तो मैं आपको एक डेफिसिट ज्यादा वाला बना के दे दूंगा, जिसे क्रैश टाइप डाइट कहते हैं, वजन आपका फौरन कम हो जाएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी फिर डिजीजेस आप पे अटैक करेंगे और उसके बाद वजन भी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो वो अपने ऊपर जोर ना करें, जितना टाइम है उसमें जितना काम हो सकता है कर लें, किसी और कपड़े में फिट आ जाएं। और फिर मैं ये भी कहता हूं कि हमेशा ये ध्यान में रखें कि किसी फंक्शन की वजह से, किसी कपड़ों की वजह से, किसी इवेंट की वजह से अपनी सेहत को ठीक नहीं करना, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। आप लोग के ऊपर आगे भी बहुत डिपेंडेंट्स होंगे, आप लोग खुद भी किसी पर डिपेंडेंट होंगे, तो हर बंदा मैटर करता है, इसलिए सेहत को ठीक करना है तो सस्टेनेबल डाइट, वो क्या है, वक्ती तौर पे रिजल्ट्स लेने के लिए हमें स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना पड़ता है। स्ट्रिक्ट से मुराद बहुत ज्यादा डेफिसिट या क्रैश डाइट नहीं है, किसी भी क्लाइंट को नहीं देनी, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा। फीमेल्स को हम 1000 कैलोरी से नीचे नहीं लेते, ठीक है, और वो भी हम फौरन नहीं लेते आते, हम के बीएमआई के हिसाब से चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 600 कैलोरीज डाइट ले रहे हैं और फीमेल्स ले रही होती है क्योंकि तेजी से वजन कम करना है, इसी वजह से हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं, इसी वजह से पीसीएस के इश्यूज होते हैं, तो वो नहीं करना। हमेशा याद रखें कि कोई भी आए तो उसको मेंटली थोड़ा सा आपने समझाना है, उसको थोड़ा सा कन्विंस करना है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, मैं तो कर दूंगा या मैं कर दूंगी, लेकिन ये आपके लिए ठीक नहीं। सस्टेनेबल डाइट हम शुरू में स्ट्रिक्ट डाइट रखने के बाद हम लाइफ स्टाइल एक दे देते हैं, हमारे जो क्लाइंट 2-3 महीने के बाद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करते हैं हम उनको एक डाइट प्लान दे देते हैं जिसमें कार्ब्स भी होते हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, मतलब हर तरह की चीज उनकी होती है, लेकिन वो कितनी मिकदार में लेना वो हम गाइड कर देते हैं। और खाना हमेशा उस वक्त खाएं, ये खैर आप लोग क्लाइंट को बात बताएंगे, अपने ऊपर भी अभी इम्प्लीमेंट करें, जब भूख लगे, जैसे नबी सल्लम करते थे, जिस वक्त हम इंसान को दुनिया में भेजा गया था तो वो उस वक्त खाता था, शिकार करता था जब भूख लगती थी, जब भूख नहीं लगती तो शिकार नहीं होता। हम लोग टाइम के हिसाब से चलते हैं, अभी इसके ऊपर भी टाइमिंग लिखी है, टी टाइम है, फिर लंच टाइम है, फिर डिनर टाइम है, हमारे घरों में भी ये हिसाब होता है, ये गलत अप्रोच है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिथ भी है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। भूख लगनी है तो खाना है, भूख नहीं लगनी तो नहीं खाना, टाइम के हिसाब से नहीं चलना, पेरेंट्स को समझाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं वो तो रोटी का टाइम है, दोनों वाला चला, ठीक है, तो माड़ा हो गया या माड़ी हो गई, ठीक है, तो वो उनको समझाना है कि मेरे जिस्म को जितनी जरूरत है मैंने उतना देना है और जिस्म को जरूरत है उतना देना है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज बाद तक जितने आए सबने ऐसे ही किया, हम लोगों ने भी रूटीन बड़ी। आप घर में किसी को पेट्स हैं या किसी को देखा हुआ है, पेट हमारे पेट्स बहुत ज्यादा हेल्दी क्यों होते हैं, वही एक यस, हमने उनकी भी अपने हिसाब से टाइमिंग सेट की। आप अभी जंगल में चले जाएं, आप जंगली जानवरों को देख लें, कोई मोटा जानवर नजर नहीं आएगा आपके, जो जो जेनेटिकली मोटे नहीं, ठीक है, वो मोटा नजर नहीं आएगा,
क्यों नजर नहीं आएगा, उनको भूख लगेगी तो शिकार करेंगे भाई। हम लोगों ने अपनी तरह पेट्स की भी टाइमिंग रखी है, ये खाने का टाइम है उसको खिलाओ, खिला खिला के हमने काबिल नहीं रखे। आगे चलेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल है कि आपने डाइट, जब आपने अप्रोच करना है किसी क्लाइंट को तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसकी डाइट को सेट करना है। अब सिर्फ डाइट को सेट करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ से आपको मैक्रोस तो मिल जाएंगे, मैक्रोस का क्या बनेगा, उसके लिए आपने वाइटामिन और सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। इसमें भी लोगों को बताना है कि ये दवाई नहीं है, ये गोलियां नहीं है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं जो हमें फूड से मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल पाते। सॉरी, यस, क्योंकि फूड से नहीं मिल पाते या हम ले नहीं पाते उतनी क्वांटिटी में, इसलिए हमें इसको साथ सप्लीमेंट लेना पड़ता है। सॉल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डाइट करने जाओ, मुझे तो जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा था नमक नहीं लेना, नमक नहीं खाना, कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने भी पढ़ा है इसके बारे में। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें कहां से मिलेंगे, सप्लीमेंट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, लेकिन नमक से वो बेसिकली मिलेंगे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम नमक देते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को बड़ा और छोटा गोश्त देते हैं प्रोसेस बना करते हैं, उसका लेना देना नहीं, स्टडीज बताती है। फिर स्टडीज के बाद हम चूंकि अपने क्लाइंट्स को पढ़ करके देख चुके हैं तो हमें पता है कि मिथ्स हैं। नमक घर में कोशिश करें कि जो वाइट सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, उसको रिप्लेस करते हैं पिंक सॉल्ट के साथ या सी सॉल्ट के साथ, क्योंकि जो पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट है उसके अंदर तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने रखे हैं। ये जो व्हाइट सॉल्ट है इसके अंदर से तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल दिए गए, उनके सप्लीमेंट्स बना दिए गए, और पीछे जो सोडियम बचा है सिर्फ वो आपको नमक की सूरत में दे दिया, इससे इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं होते हमारे। तो जिस तरह आपने क्लाइंट की डाइट सेट करनी है तो उसमें जो भी डाइट आपने देनी है, ये एक एग्जाम्पल है सर, इसमें आप पीनो डाइट भी दे सकते हैं, कोई भी डाइट दे सकते हैं, साथ विटामिंस, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी, क्योंकि पानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कितना जरूरी है। मुझे लिटरली मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा था कि प्यास लगेगी तो आधा ग्लास पानी पीना, ठीक है, पूरा ग्लास पानी भी नहीं पीना। वो बेसिकली करना ये चाह रहे थे, मुझे जब मैंने न्यूट्रिशन को पढ़ा तो समझा कि वो मेरे जिस्म से वाटर वेट निकालना चाह रहे थे, तो वो तो एक पहले एक दो दिन में निकल आता जब आप दो ग्लास पे जाते हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है तब आप एक अच्छी डाइट बना सकते हैं। जी, मिथ्स की कुछ बात करते हैं, फैक्ट्स की और मिथ्स की। जी, पहले देखें, Eating after 7 p.m. leads to weight gain. बहुत से clients कहते हैं जी खाना खाता हूँ सो जाता हूँ वजन बढ़ गया, ऐसा होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो 24 घंटे के अंदर आप अपनी बॉडी को फीड कर रहे हैं उसने आपको उस तरह का, मैं खुद भी करता रहा, जब अपनी कर रहा था कटिंग वगैरह, मैं रात मील लेता था और सो जाता था साथ, और शायद आपसे भी डिस्कस हुआ हो कि मैंने ये बात की थी कि मैं तो खा के सो जाता हूँ, मेरी बॉडी में उस फूड को प्रोसेस करना है, ठीक है, सोते रहे मेरा मेटाबॉलिक रेट कम होगा, ऐसा ऐसा प्रोसेस होगा, मेरी बॉडी का एनर्जी तो मिल रही है, और चूंकि मैं उसको ओवर फीड नहीं कर रहा तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बचेगी, और बचने के बाद वो फैट सेल्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो आपकी टोटल कैलोरी इनटेक मैटर करती है, नंबर वन। नंबर टू, आप खा क्या रहे हैं, आप अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं, उसके अंदर मैक्रोस क्या है, वो कितना हेल्दी खाना है, उस दो चीज मैटर करती है कि आपका वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जी, मिथ टू है जिसके पे इंटरेक्ट आ गई, जो तो हमारी माइंड कहती है तो नाश्ता नहीं करना, फिर बारह हो जाना है, तेरा वजन बढ़ता है, कहना नाश्ता नहीं ना करता, ब्रेकफास्ट क्या है कोई बताएगा मुझे, सॉरी नाश्ता तो है, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ लोग शाम को 6 बजे खाना शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जिस वक्त भी आप अपनी फास्टिंग को तोड़ रहे हैं जैसे आपने बताया उसको हम ब्रेकफास्ट कहेंगे, तो सुबह का नाश्ता छोड़ने से कुछ नहीं होगा, वजन ना बढ़ेगा, ना वजन कम होगा, ना वीकनेस होगी, ओवरऑल पूरे दिन में आप अपनी बॉडी को जो फीड करेंगे और जो फीड नहीं करेंगे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी या उसमें से फायदा होगा। तो अगर आप अपनी बॉडी को सही तरह से फीड कर रहे हैं, जैसे इससे पहले एग्जांपल मैंने आपको दिए कि आपकी डाइट ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पानी का इस्तेमाल ठीक है, तो आप हेल्दी हैं,
क्यों? क्योंकि क्यों कह रहा हूं कि इधर लिखा हुआ इसलिए नहीं कह रहा, खुद इंप्लीमेंट करके देखा, ठीक है, क्लाइंट्स ने इंप्लीमेंट करके देखा, एक और एग्जांपल आपके पास है उन पे इंप्लीमेंट करके देखा, तो रिजल्ट इस तरह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने क्लाइंट्स को भी कल को यही बताना है कि अप्रोच क्या, सही अप्रोच क्या है। पेरेंट्स को हम ऑब्वियसली उस तरह नहीं समझा सकते, ठीक है, उनका वो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पुराना चलता हुआ आ रहा है, फिर पेरेंट्स है उनको हम उतना सख्ती से भी नहीं कह सकते, तो उनको बस ब्राइटली बता देना और कोशिश करना कि अगर वो कहें भी तो जो आपका ब्रेकफास्ट हो वो हाई प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ फास्टिंग तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप खाना खा रहे हैं, तो कोई ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जो आपकी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करे, बल्कि आपका प्रोटीन और फैट्स होने चाहिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो, एक तो कि वो आपको मुसलसल कॉन्स्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी और दूसरा आपको जो स्पाइक होने की वजह से दोबारा जल्दी भूख लग जाती है ना वो नहीं लगती, और फिर ओवरऑल आप पूरे दिन में कम कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। लो फैट और फैट फ्री, मैं तो जी फैट फ्री दूध ले रहा हूँ, मैं तो लो फैट चीज ले रहा हूँ, बाहर के अक्सर क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं, तो हम ये कहते हैं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फैट्स तो जल भी करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो फैट है उसको हम दूसरे फैट के साथ लिंक कर देते हैं, चर्बी के साथ लिंक कर देते हैं, जबकि ये बात गलत है। फैट्स आप तो आई एम श्योर आप तक पढ़ चुके होंगे कि वो कितने जरूरी होते हैं ब्रेन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, तो ये भी एक मिथ है। लो फैट या फैट फ्री नहीं, लो ग्लूकोज, लो लैक्टोज या लैक्टोज फ्री, इस तरह की डाइट पे जाना है जो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक ना करे। लो सोडियम, ये जैसे भी मैंने कल बात की, एक मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि वो फलां कंपनी मुझे याद नहीं है बिस्किट की, उसके डब्बे के ऊपर देखिए इतना ज्यादा सोडियम लिखा हुआ है, ये जो सोडियम इंटेक है ना इसकी वजह से ना हमारे वजन बढ़ रहे हैं, ठीक है बढ़ते हैं, लेकिन ना हमें फिर सी सॉल्ट या पिंक सॉल्ट लेना चाहिए, लेना पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट ही चाहिए, अप्रोच गलत है, किस वजह से ले रहे हैं ये गलत है, कि सोडियम तो फिर आपको उसमें भी मिलेगा, सी सॉल्ट में भी मिलेगा, लेकिन उसकी डोज कम होगी और उसके साथ बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो कोई बंदा ये बात भी करे नमक की या ये बताए कि खाने के अंदर प्रोसेस फूड के अंदर होता है सोडियम, ऑब्वियसली उसको प्रिजर्व करना है उसके लिए, तो आप उनको बताना है कि सॉल्ट को शिफ्ट इसलिए नहीं करना कि सोडियम है, सोडियम तो हमें पिंक सॉल्ट से भी मिलेगा और सी सॉल्ट से भी मिलेगा, हमें उसकी डोज को कम रखना है और बाकी इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए, इसलिए हमें उस पर शिफ्ट करना है। ड्रिंक मोर वाटर टू शेड पानी, पानी एक डाइट, अभी अगले दिन पता नहीं टीवी के एंकर थे उनकी मैं वीडियो देख रहा था कि पता नहीं कितने लीटर पानी को बंदा पी जाता है और उसने वजन कम कर दिया। अब उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा कि पानी इतना ज्यादा पी जाता है और उसकी वजह से वजन कम हो गया, उसके साथ जो एक्सरसाइज कर रहा है वो नहीं देखा उन्होंने, उसके साथ वो डाइट क्या कर रहा है नहीं देखा, उन्होंने फोकस सिर्फ पानी पे रखा और उसी को लेकर आगे चल दिया। पानी पीना है जैसे हमने पहले शुरू में बात की, लेकिन इतना नहीं पीना कि किडनीज कोलैप्स कर जाए, इतना पीना जितनी जरूरत है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं पीना, मैंने देखा दो दो तीन तीन चार चार ग्लास को घोट के खाली पेट रोज पी रहे हैं, गलत करें आप किडनीज पे अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं कोलैप्स हो जाएंगे, नहीं करना, सिप बाय सिप लेना है, पूरे दिन में जो आपने अपनी इनटेक को सेट किया हुआ है सिर्फ उतना ही लेना है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पानी पीना और बेतहाशा पीना। कटिंग कार्ब्स, आप कार्ब्स को कम करें, जो कीटो डाइट है कार्ब्स को कम करें, वजन तेजी से कम होगा, एक हद तक बात ठीक है, लेकिन कार्ब्स को बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं करना, जिस तरह आपकी कीटो डाइट है उसके अंदर हिडन कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स हमें एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो हम लीची बीन्स से भी ले सकते हैं, तो इसलिए कुछ लोग जिस हम बात कर रहे थे ना कि वो जब भूखा रहना शुरू कर देते हैं वो नहीं करना, कटिंग कार्ब्स का ये मतलब नहीं है कि आपने खाली पेट हो जाना या हम खाती रोटी और चावल है वो छोड़ देते हैं, नहीं आपने स्विच करना है कार्ब्स को, स्विच करना है प्रोटीन और फैट्स के साथ ताकि आपकी बॉडी को जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो मिले और आप हेल्दी वे से फैट लॉस कर सकें, वेट लॉस नहीं फैट लॉस कर सकें जी। यहाँ पे कुछ कंक्लूड करते हैं, आगे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आंसर है या कुछ और है जी, अभी हम क्वेश्चन आंसर अभी कर सकते हैं जी, जी बताएं कि अगर आपके किसी एक सवाल आते हैं, और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो अभी आपने सीखा है उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है या जो कल को आपने सोचा हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है आप क्वेश्चन करें। देखें एक हमारा हार्मोन है ब्रेन में न्यूरोपेप्टाइड वाई वाई, ठीक है आप उसको गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो हमें क्रेविंग्स देता है। अब वो ठीक कैसे होगा,
जब हमें क्रेविंग्स होती है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो ठीक नहीं है। भूख खत्म नहीं हो रही का क्या मतलब है कि लेप्टिन और ग्रेलिन सिग्नल सही नहीं भेज रहे, भूख खत्म होने का एहसास ही नहीं हो रहा, ब्रेन तक सिग्नल जा ही नहीं रहा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। तो ठीक कैसे होंगे, इम्बैलेंस कैसे हो गया, गाड़ी का इंजन सही काम नहीं कर रहा, लड़की शायद इस चीज को बेहतर समझ लगे, अच्छा ऑयल नहीं डाला, इंजन सही काम नहीं करेगा, पेट्रोल किसी अच्छी जगह से नहीं डलवाया, डॉकिंग करेगी गाड़ी, ठीक है। तो बॉडी को अगर आप फीड सही नहीं करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। तो जिसके तो आपको ये कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो मीठे का बहुत शौक है, मैं मुझे मीठे का इतना शौक है कि ये जो मेरी फैमिली है वो इस बात की गवाह है कि मैं गाजर का हलवा सर्दियों में खत्म ही नहीं होता था घर में, मैं इतना खाया था। तो मैं कहता था मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, बेसिकली वो मेरा हॉर्मोन इम्बेलेंस हुआ हुआ था जो मेरी क्रेविंग से ज्यादा, खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स की, ये न्यूरोपेप्टाइड खास तौर पर कार्ब्स की, ग्लूकोज की, शुगर्स की क्रेविंग रहता है। तो आप जैसे ही अपनी डाइट को ठीक करते हैं, हमारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमसे खाना खाया नहीं जाता, हमसे मुकम्मल मील नहीं होता, याद है आपको जी, कि वो कंज्यूम ही नहीं किया जाता। और मैं कहता हूँ करना है, आपने अपनी बॉडी को वो देना है, बेसिकली आपके हार्मोनल इम्बेलेंसेस ठीक हो रहे होते हैं तो हर हार्मोन सही सिग्नल पास करना शुरू कर देता है। रिफ्लेक्स आर्क शायद आप लोगों ने पढ़ा, वो सही जा रहे होते हैं, जब सिग्नल सही जाते हैं क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। मैं इस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, उस्मान भी गुजरे हुए हैं, बहुत से क्लाइंट्स गुजरे हुए हैं। ठीक कैसे होता है कि जब अपनी बॉडी को फीड सही करते हैं, अंदर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू होती है, क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। शुरू में आपको एक हफ्ता, हो सकता है दो हफ्ते लगे इस सारे प्रोसेस को, लेकिन उसके बाद बॉडी की जब जैसे अंदर भले मामला ठीक होते हैं क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। न्यूरोपेप्टाइड वाई वाई, इसको आप पढ़िएगा जी। और दो किलो कढ़ाई एक जगह पे बैठ के खा जानी है और कहना ग्रीन टी पियो आज बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ग्रीन टी का एक कप पीऊंगा, ये कढ़ाई ऐसे हजम हो जाएगी, चर्बी कुछ ऐसा नहीं होगा, बॉडी किस तरीके से नहीं चलती। और इसी वजह से वो दो किलो कढ़ाइयां खाने के बाद तोते हमारी निकल रही होती, मेरी अपनी निकली थी, इसी वजह से निकली थी, निकली होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों हो रहा है, अप्रोच गलत है। जैसे ही मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ, अब वो तो फर्क नहीं है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे, तो जैसे मुझे मैं डॉक्टर के पास गया था मुझे गोलियां थी, तो अगर वो और कोई पुराना वक्त होता तो मैं भी चुप करके गोलियां खा रहा था, मैं आके गूगल पे क्यों बैठा हूँ, मैं देखूँ यार ये जो बंदा बात कर रहा है इसने मुझे क्यों दिया। जैसे कोई बंदा बात करे उसको सर्च करे ये क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हम डायबिटिक वालों से बात करते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साढ़े फलान सी, साड़ी दादी नु सी, दादे नु सी, ये था वो था, वो तो जनाब ऐसे बीमारी ना मर गई, ये हो गया। ये कहता हूँ कि वो ठीक है, लेकिन सोचो सही क्या उनकी अप्रोच ठीक थी, उन्होंने काम ठीक किया, जो करना चाहिए था वो किया, या किसी ने उनको बताया कि ये करना चाहिए था, ये करके देख लो। तो टोटकों से बचना है, नंबर वन अप्रोच सही रखनी है। आप लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इसलिए टोटकों पे जाने की जरूरत नहीं, गर्म पानी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लोग कहते हैं मैं जनाब तीन तीन घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ फिर टैक्स क्यों नहीं है, आप तीन लगाते हैं एक्सरसाइज क्या करती है, वो तो आपके मसल्स के ऊपर काम करती है। एक नंबर दो क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, कैलोरीज बर्न करने की डिमांड बढ़ती है, तो उसका चर्बी से कैसा होता है, मसल फाइबर टूट रहे हैं और बन रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, कैलोरीज को बर्न करने की डिमांड बढ़ रही है, तो आपकी डिमांड बढ़ रही है तो चर्बी को यूटिलाइज कैसे करेगी बॉडी, चर्बी को यूटिलाइज करेगी तो चर्बी कम होगी ना, अगर वो यूटिलाइज नहीं करेगी तो आप चार चार घंटे एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल पे लोग घंटा घंटा चढ़े रहते हैं, क्यों नहीं रिजल्ट्स मिल रहे, क्योंकि आपके अप्रोच ठीक नहीं है, केटोसिस में बॉडी गई नहीं है, फैट बर्न कर ही नहीं रही, तो आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक रेट अपना बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी, उतना ज्यादा आप चीट करेंगे, लोग एक्सरसाइज करने के बाद शेक्स नहीं पी रहे होते बैठे, तो यही कॉन्सेप्ट है, गर्म पानी से कुछ नहीं होना, ठीक है। ग्रीन टी का, सिर्फ ग्रीन टी का एक कप लेने से कुछ नहीं होना, अगर आपकी ओवरऑल आपकी अप्रोच ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है। और एक ग्लास पानी पी, एक टाइम में ज्यादा पानी नहीं पियो, जो आपने अपने लिए पानी सेट किया 8, 10, 12, 14, 16 ग्लासेस, वो आपने लेने पूरे दिन। अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक बॉटल रखें, सिर्फ बाय सिर्फ नहीं, आप किसी अपॉलॉजी में तो इजीली आपको कैरी कर सकते हैं,
किसी ऐसी जगह पे आप बॉटल नहीं कैरी कर सकते, एक ग्लास पानी पी है, लोग तीन तीन चार चार ग्लास एक टाइम पे पी रहे होते हैं और इस जहन के साथ पी रहे होते हैं कि मेरा पेट पानी से फूल जाएगा और ये अंदर जाके चर्बी गला जैसे गर्म पानी की बात होती है।